नगर पालिका निगम भिलाई के पुराने भवन से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि इस भवन के ठीक पीछे कुछ चॉइस सेंटर भी संचालित हो रहे हैं, जहां लोगों का आना जाना लगातार लगा भी रहता है। और वहीं ठीक इसके पीछे से एक गलीनुमा रास्ता भी भवन के अंदर प्रवेश करता है, जहां पर सोमवार को इस रास्ते के ऊपर का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और कुछ देर के लिए लोगों की सांसें रुक गई। अच्छी बात ये रही कि उस समय इस गली से कोई प्रवेश नहीं कर रहा था, वरना जान माल की हानि भी हो सकती थी और इस दुर्घटना में जान भी जा सकती थी। निगम के पुराने भवन के नीचे अपना व्यवसाय करने वाले हर रोज दहशत में रहते हैं कि कहीं ये भवन भरभरा कर गिर ना जाए। भाई ये तो साफ दिख रहा है कि नगर निगम का मेरे ख्याल से 70-72 का कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद आज तक न उसमें एक ईंटा रखा गया, न उसमें कोई रिपेयर किया गया, और सिर्फ नाम के लिए कभी कभी बस पर्व में, राष्ट्रीय पर्व में वार्ड वाइसिंग हो जाती है और रोशनी कर देते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रही नगर निगम, कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर न पानी पीने की व्यवस्था है, न शौच की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है। इस मुख्यालय में ऐसी स्थिति है तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अभी ये घटना घटी है, अभी जनधन की हानि से बचे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हालात में बहुत रिस्क लेकर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। और इसमें नगर प्रशासन को, नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, मेयर को और आयुक्त को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करके उसको सुरक्षा के प्रबंध किया जाना चाहिए।